Brought to you by Infinix. लोकसभा सचिवालय ने शुक्रवार 24 मार्च को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन लिया। राहुल गांधी की सांसदी रद्द कर दी गई। ये एक्शन इसलिए लिया गया क्योंकि मानहानि के एक केस में राहुल गांधी को सूरत की एक कोर्ट ने दोषी माना है। आपराधिक मानहानि के केस में 23 मार्च को राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई। हालांकि ट्रायल कोर्ट ने सजा के अमल को 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया था और राहुल गांधी को 10,000 के बॉन्ड पर बेल भी दे दी। तो ये समझते हैं कि क्या है ये मानहानि जिसके तहत राहुल गांधी को सजा सुनाई गई है। दुनिया के सबसे विशाल साम्राज्य में से एक हुआ है रोमन साम्राज्य। 27 ईसा पूर्व से शुरू होकर 5वीं सदी तक रोमन साम्राज्य कायम रहा। रोमन साम्राज्य में एक नियम निकाला गया जो उस वक्त बड़ा अनूठा था। कहा गया कि कोई जना एक दूसरे पर सबूत के बिना नरगल आरोप नहीं लगाएगा, बिना सबूत के बेइज्जती करने वाली बातें नहीं करेगा, वरना मिलेगी सजा। ऐसा इसलिए ताकि लोग सिर्फ बोलने के लिए ना बोल दें, जब किसी के बारे में बोलें तो पूरा जांच परख करके बोलें। बाद में रोमन साम्राज्य का पतन हुआ। धीरे धीरे दुनिया में अंग्रेजी शासन ने पांव पसारे, कई नियम कायदे बदले, लेकिन ये वाला नियम लेकर आगे बढ़े। धीरे धीरे अंग्रेजी शासन भी भूतकाल की बात हुई। भारत सहित तमाम देशों ने अपना संविधान बनाया, लेकिन ये नियम कायम रहा, बल्कि कानून की शक्ल ले ली। नाम मिला मानहानि का कानून, यानी डिफेमेशन। कोई ऐसा बयान, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट, कोई ऐसा पब्लिश मटेरियल जिससे किसी व्यक्ति या किसी संस्था की छवि खराब होती है, गलत जानकारी प्रसारित होती है, तो मानहानि के तहत केस दर्ज हो सकता है। किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसके खिलाफ कोई झूठा आरोप लगाया गया है तो वो भी मानहानि का केस कर सकता है। लेकिन व्यक्ति हो या संस्था, उसे ये बात न्यायालय के सामने साबित करनी होगी कि उसकी मानहानि हुई है। दरअसल न्यायालय और संविधान दोनों इंसान या संस्था की प्रतिष्ठा को भी उसकी संपत्ति के तौर पर मानता है, इसलिए प्रतिष्ठा की हानि को संपत्ति की हानि माना जाता है और व्यक्ति को ये अधिकार मिलता है कि वो इसके खिलाफ न्यायालय में जा सके। मानहानि कितना गंभीर मसला है इसको इस बात से समझ सकते हैं कि इसमें सिविल और क्रिमिनल, यानी दीवानी और फौजदारी, दोनों तरह के केस दर्ज हो सकते हैं। मानहानि के अधिकतर मामलों में सिविल के तहत ही मुकदमा चलता है। इसके तहत जिस व्यक्ति की मानहानि हुई है वो सामने वाली पार्टी से इसके बदले में आर्थिक मुआवजे की मांग कर सकता है। अगर व्यक्ति या संस्था को लगता है कि पानी सिर से ऊपर निकल गया है और उसकी मानहानि आर्थिक मुआवजों से भी बड़ी है तो वो क्रिमिनल केस दर्ज करा सकता है। इसमें दोषी को 2 साल तक की सजा या अर्थदंड या दोनों हो सकते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के तहत ये अपराध है। इसमें पीड़ित को न्यायालय के सामने साबित करना होता है कि उसकी मानहानि हुई है। वहीं सिविल मानहानि कॉमन लॉ के तहत अपराध है। इसमें न्यायालय पुराने फैसलों की नजीर सामने रखकर और स्वविवेक से निर्णय सुनाता है। अब जान लेते हैं कि किन गतिविधियों को मानहानि के दायरे में रखा गया है। आपत्तिजनक टिप्पणी या बयान का कहा जाना या पढ़ा जाना, आपत्तिजनक टिप्पणी या बयान का प्रकाशित होना, किसी को अपमानित करने के उद्देश्य से की गई कोई हरकत मानहानि के अंतर्गत आते हैं। इसमें एक बात ये खास है कि जिस किसी भी जरिए से मानहानि हुई है उसका पब्लिक फोरम में उपलब्ध होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, अगर किसी के बयान से किसी अन्य की मानहानि हुई है तो इस बात का सबूत होना चाहिए कि फला ने फला को या उनके बारे में ऐसा कहा। अगर एक्स ने वाई के कान में कुछ कह दिया जिससे वाई को अपनी मानहानि लग रही है तो इस पर वो केस नहीं कर पाएगा, क्योंकि कान में कही बात वो साबित कैसे करेगा। मृत व्यक्ति की भी मानहानि हो सकती है, इस स्थिति में उनके रिश्तेदार नातेदार मुकदमा कर सकते हैं। सीआरपीसी की धारा 499 कहती है कि किसी व्यक्ति द्वारा बोले गए या पढ़े गए शब्दों से, संकेतों से, चित्रों से किसी दूसरे व्यक्ति या संस्था पर गलत लांछन लगता है तो वो मानहानि की श्रेणी में आएगा। लेकिन मानहानि किस तरह हुई है इसे लेकर भी 2 प्रकार होते हैं, अभियोग पत्र यानी लिबल और बदनामी यानी स्लैंडर। इसका एक प्रकार है अभियोग पत्र यानी लिबल। इसके तहत किसी झूठे स्टेटमेंट या पब्लिश मटेरियल के माध्यम से मानहानि करना आता है, जैसे कोई लेख, किसी अखबार की खबर, कोई तस्वीर वगैरह। माने जब किसी लिखित दस्तावेज की वजह से मानहानि हो तो उसे अभियोग पत्र के अंतर्गत देखा जाता है। अब मानहानि के दूसरे प्रकार बदनामी यानी स्लैंडर को समझ लेते हैं। किसी के कहे शब्दों से या इशारों से मानहानि हो तो उसे स्लैंडर में गिना जाता है। तो इसी के साथ फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपके लिए पूरी जानकारी जुटाई थी हमारी साथी सुरभि ने। मैं निहारिका यादव, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।